नदियों के घटते जलस्तर को देखते हुए अब जनपद में बाढ़ की स्थिति में सुधार होता नजर आ रहा है। संभावना है कि अगले कुछ दिनों में बाढ़ की स्थिति में और अधिक सुधार देखने को मिल सकता है। रविवार को राप्ती नदी के जलस्तर में गिरावट की रफ्तार तेज हो गई है। पहले जहां नदी एक घंटे में करीब आधा सेंटीमीटर कम हो रही थी, वहीं अब नदी के जलस्तर में प्रति घंटे एक सेंटीमीटर से अधिक की गिरावट दर्ज की जा रही है। रोहिन नदी पहले से ही चेतावनी बिंदु के नीचे पहुंच चुकी है। हालांकि सरयू नदी का जलस्तर अयोध्या पुल एवं तुर्ती पार दोनों स्थानों पर बढ़त पर है। राप्ती नदी के जलस्तर में कमी का नतीजा यह हुआ है कि पिछले दो दिन में करीब 100 से ऊपर गांव बाढ़ से मुक्त हो चुके हैं और अगले कुछ दिनों में लोगों को बाढ़ से निजात मिलने की संभावना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर बोल रहा हूं। जनपद की राप्ती को छोड़कर के सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं। राप्ती अभी 1 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जो पूर्व में 393 गांव हमारे बाढ़ से प्रभावित थे, उनकी संख्या भी अब 200 के आसपास हो गई है। जहां जहां नावों की आवश्यकता नहीं है, नावों को विड्रा किया जा रहा है, राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। जो भी गांव पूर्व में प्रभावित हुए थे, सभी गांवों तक राहत सामग्री का वितरण किया जाएगा। धन्यवाद।